का रैंक पर शीडियो करता हूँ। आप सभी लोग मस्त होंगे और आप सभी का रैंक पर मस्त चल रहा होगा। आप सभी के रैंक और टीयर क्या चल रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी मैं जो आईडी रैंक पुश कर रहा हूँ इसकी रैंक अराउंड 1300 के आसपास चल रही है। ये आईडी कल तक इजी कॉन्करर हो जाएगी। अगर अपने किसी भी भाई को पेड कॉन्कर रैंक पुश करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मेरे इजी 2 किल्स तो हो जाते हैं। अभी देखो इवेंट पे कितने किल्स निकाल पाते हैं और बाकी ये गेम में बहुत मजा आएगा। अभी यहाँ पे इवेंट पे सिर्फ एक ही बंदा बचा था जो कि ऊपर की साइड था। मुझे उस बंदे के फुट तो आए थे लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि वो बंदा सीढ़ियों पे ही खड़ा है। और भाई लेकर भी कौन सी गन खड़ा था, डबल बैरल। स्टार्टिंग में उसने मेरे को इतना डैमेज चिपका दिया था, मेरे पे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था भागने के अलावा। और मैं भागता हूँ और घास में आके लेट जाता और भाई इस बंदे को क्या ही मारा है ना, मतलब मजा तो आता था, मेरे को लगा नहीं था मैं बच पाऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं एक सेकंड के लिए लेट जाता हूँ और एक बॉट का किल कर देता है। यार एक सेकंड जल्दी आ जाता तो मेरे को दोनों किल्स मिल जाते। अभी यहाँ पे इवेंट पे यार एक बंदा था बहुत ही गंदा कैम करके बैठा था, तो मैंने सोचा मेरे को अच्छी खासी लूट तो मिल ही चुकी है और मेरे पास सब कुछ है तो यहाँ से निकल ही ले। एक व्हीकल ढूंढ के मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट जोन के सेंटर। मेरे पास रिकॉल भी है लेकिन मैं यार बंदे ढूंढ के मार नहीं रहा, क्योंकि अगर गलती से मैं मर गया तो भाई फिर सारी की सारी लूट चली जाएगी। तो अभी फिलहाल मैं रिस्क नहीं लेता क्योंकि एक तो मेरी रैंक भी बहुत ज्यादा क्लोज है, तो मैं थोड़ा सेफ ही खेलूंगा तो वो मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पर एक जो मैका रहता है मेरी कूप ले जाता है, बट चलो कोई बात नहीं, मैं आराम से बैठता हूँ। मेरे पास जेट पैक है, मैं जोन में तो चला ही जाऊंगा। मैं इवेंट से अच्छे खासे कॉइंस लेकर निकला था और जो पेट्रोल पंप पे जो शॉप है वहां से मैंने एक फ्लेयर गन ले ली थी। अभी यहाँ पे एक बीआईडी मंगाते हैं और डायरेक्ट चलते हैं। अरे बंदा पता नहीं यहाँ पे कब से कैंप कर रहा है भाई, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था। अगर यहाँ पर मैं नॉर्मली निकलता तो मेरे को किल कर देता, बट फिर भी एक गोली टच नहीं कर पाता। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक के देखता हूँ अगर ये बंदा जोन में आएगा। वैसे जोन तो निकल चुका है यहाँ से, बट ये बंदा जोन में आएगा तो मेरे को एक और फ्री का किल मिल सकता है। अभी यहाँ पर मैं बीआईडी में से इसलिए उतर जाता हूँ क्योंकि यार ये अगर ये बंदा मेरी बीआईडी उठा लेता और जोन के बाहर फेंकता रहता तो मैं इजी किल्स हो जाता, इसलिए मैं यार बीआईडी में छोड़ देता हूँ और इसे एक हेड तो देता हूँ, इसीलिए वो बंदा भाग जाता है। अभी यहाँ पे जस्ट बंदा एक बंदे को किल करता है और ये बंदा बिल्कुल ओपन में था तो अपने को एक और किल मिल जाता है। यहाँ पर मेरी बीआईडी में पूरा धुआं निकल चुका है। यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो मेरी गलती थी, बिल्कुल ओपन में होके मैं बूस्टर्स लगा रहा था और सामने वाला बंदा इतनी लेट आता है, देखो मजा ही आ जाएगा।
भाई मैं रिवाइव भी हो गया, उसके बाद मैंने हेल्थ किट भी लगा ली, उसके बाद ये बंदा गाड़ी लेके निकलता है। फिलहाल इस बंदे को इजी हेड देते हैं और अपने को एक लोकेशन मिल चुकी है, सामने वाला स्नाइपर टावर जोन में है और खाली भी है। ये बंदा वहीं से पैर से आया था, ये वाला बंदा MG3 चला रहा था, तो मैंने सोचा इसकी गन ले लेते हैं। अभी यहाँ पर मेरे 2 kills इजी चले जाते हैं। मैंने पहले बंदे को नॉक करा था उसको ये वाला बंदा खा जाता है, और इस वाले बंदे को नॉक करा था इसको कोई और बंदा खा जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा था जो कि सामने घरों पे था, तो मैंने सोचा चलते हैं डायरेक्ट 1v1 की फाइट लेते हैं। मैं वैसे जोन में था, मैं जोन के बाहर आया हूँ गुस्से में, क्योंकि यार यहाँ पर मेरे 2 kills चोरी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं सोचता हूँ इस बंदे को थोड़ा सा ट्रोल करा जाए, लेकिन यार ऐसा होता नहीं। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे कई सीन होता है। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।